आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी ने की किसानों से धोखेबाजी, पवार युति को सत्ता से उखाड़ फेंको। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र यह भारत वर्ष का महत्वपूर्ण धनी तथा हर संबंध में उच्च दर्ज के राज्य के रूप में परिचित था, परंतु पिछले 5 वर्ष में कर्ज का बोझ बढ़ने से राज्य हर तरह से पिछड़ गया है। पवार ने कहा कि सरकार को किसानों की किसी प्रकार की चिंता नहीं है, फसल बीमा के पैसे नहीं मिले हैं, पूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई। ऐसे विपरीत समय में किसान बर्बाद होने की मार्ग पर है। जो सरकार किसानों का ख्याल नहीं रख सकती, उसे चुनाव में सबक सिखाना जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर शहर का परिचय अपराध सिटी के रूप में पूरे देश में हुआ है, जिससे वह कितने कार्यक्षम है यह समझ में आता है। रास्तों पर गड्ढों के साम्राज्य के रूप में महाराष्ट्र राज्य पहचाना जा रहा है। वर्तमान समय में देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हर बात की मर्यादा वर्तमान सरकार लांघ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मुंबई में 120 कपड़ा मिलों में से मुश्किल से 10 मिले शुरू है, जिससे विकास का काम किस गति से हो रहा है यह समझ में आता है। इन सब बातों पर गौर कर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन मतदाताओं को करना चाहिए। कल वर्धा में गडकरी की सभा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की 12 अक्टूबर को सर्कस मैदान में शाम 4 बजे प्रचार सभा आयोजित है। सभा में भाजपा के अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे सोनारा वासी। धामनगांव रेलवे तहसील के सोनारा काकड़े गांव वासी पिछले कई वर्षों से सड़क नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से तक वंचित है। कई बार गुहार लगाने के बावजूद गांव की हालत नहीं बदली है। संतप्त गांव वासियों ने अब विधानसभा चुनाव पर बहिष्कार डालने का निर्णय लिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।